हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस माय नेम इज अजारा आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि विंटर्स के जाते ही बहुत जल्दी गर्मी आ जाती है और गर्मियों में सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है क्रीम्स की गर्मियों में कौन सी ऐसी क्रीम यूज करें जिससे हमारा फेस साफ रहे साथ में हमारी स्किन के ऊपर ग्लो भी रहे और दूसरी बात यह कि फेस की जो स्किन है वो ब्लैक ना हो क्योंकि गर्मियों में धूप की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा मुतासर होती है और धूप के साथ साथ दूसरी चीज जो होती है वो होती है मेन चीज पसीना क्योंकि ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा फेस पे स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती है और जो हमारे पोर्स होते हैं वो क्लॉक हो जाते हैं और उनको अनक्लॉक करना गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है और बार बार फेस पे ऑयल आता है ओके कौन सी ऐसी क्रीम है जो हम यूज कर सकते हैं घर में और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप इसको घर में बना सकते हो और सारी चीजें कंपनी की है खराब नहीं होगी और शेल्फ लाइफ इसकी टू थ्री मंथ है आप इसको आराम से यूज कर सकते हो ज्यादा भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें हम कोई भी ऐसी चीज नहीं डालेंगे जो कि घर से लियो या होम हो तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना के कैसे हम इसको बनाते हैं तो इसको बनाकर आप रख सकते हो और पर्सनली ये क्रीम बहुत अच्छी है आप इसको हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हो और सेकेंडली ये कि इसके कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे तो कैसे बनाते हैं आइए जानते हैं तो बात कह रही हूं मैं सबसे पहले तिब्बत स्नो क्रीम की और तिब्बत स्नो क्रीम फेस के पिंपल्स के लिए भी बहुत अच्छी है और नॉर्मली भी बहुत अच्छी होती है अगर आप कोई और क्रीम यूज करते हो लाइट कोई भी क्रीम आप यूज करते हो अपनी क्रीम के अंदर दो तीन इंग्रेडिएंट मिक्स करोगे तो गर्मियों में आपका जो सारी गर्मियां है वो आराम से गुजर जाएंगी तो आपने तिब्बत स्नो क्रीम लेनी है टू टेबल स्पून ले लीजिए नॉर्मल पहले बनाकर रख लीजिए ताकि आप उसको जब यूज करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे तो फिर आप उसको ज्यादा भी बना सकते हो उसके बाद आपने उसके अंदर डालनी है एक चमच एलोवेरा जेल कंपनी की डालिएगा ज्यादा बेटर है क्योंकि कंपनी की एलोवेरा जेल, जेल की वजह से आप उसको स्टोर कर सकते हो उसके बाद आपने उसके अंदर डालनी है दो विटामिन ई की कैप्सूल चाहे तो इवियन की डाले चाहे तो आपको फेशियल एसेंस कैप्सूल मिले आप वो डाल लें जो आपको ईजिली मिलती है आपके एरिया से मिल जाती है तो आप वो वाली इसके अंदर एड कर सकते हो आपने वो डालनी है और उसके बाद लास्ट में आपने इसके अंदर डालना है या तो अगर आपके स्किन पे आलमंड ऑयल सूट करता है तो वो डाल लीजिए नहीं तो फिर आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल या फिर ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून डालना है आपने इन सब चीजों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स आपने अच्छे से करना है एलोवेरा जेल मिक्स कर रहे हो आप एक क्रीमी टेक्सचर में तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है इसको इसको मिक्स मिक्स करना मिक्स करने के बाद आप इसको कंटेनर में रख सकते हो कोई भी आपके पास क्रीम की कंटेनर खाली हो आप रख सकते हो और इसको दोपहर में भी यूज कर सकते हो और नाइट में भी यूज कर सकते हो नॉर्मल फेस वॉश से जो फेस वॉश आप यूज करते हो और आपकी पसंद का हो स्पेशली आप गर्मियों में गर्मी का फेस वॉश यूज कीजिएगा क्योंकि सर्दियों में जो हम फेस वॉश यूज करते हैं उसके लिए हम दूसरी चीजें उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो गर्मियों के लिए प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं याद रखिएगा गर्मियों में अलग प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं सर्दियों में अलग यूज किए जाते हैं क्योंकि गर्मी और सर्दियों में आपकी जो स्किन है वो चेंज होती है मौसम के हिसाब से तो और दूसरी बात यह है कि आप ये क्रीम यूज कर सकते हो दो बार और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको वन वीक में आपको फेस डिफरेंस आपको नजर आएगा सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि गर्मियों में सबसे ज्यादा आपने फेस की क्लीनिंग का ख्याल रखना है जितना ज्यादा अपने फेस को क्लीन रखेंगे आपको पिंपल्स नहीं होंगे एक नहीं, नहीं होंगे आपको और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि गर्मियों में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं और इशू क्या आता है कि आप अपनी फेस को क्लीन नहीं रख रहे हो ज्यादा आप फेस मत धो साबुन या फिर फेस वॉश से आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सादे पानी से भी फेस को वॉश रखेंगे तो आपका जो ऑयल है वो कंट्रोल रहेगा साथ में आपकी जो स्किन है वो भी फ्रेश रहेगी और गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है स्किन को मेंटेन रखना क्योंकि गर्मियों में कलर बहुत ज्यादा खराब होता है तो स्किन की सफाई का ज्यादा से ज्यादा रखिएगा और दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा चिकने आपने क्रीम यूज नहीं करनी है चिकनी क्रीम से भी आपका फेस बहुत ज्यादा खराब होता है अगर आप होम सोप यूज करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ बहुत अच्छा है ऑरेंज का सोप है इस्तेमाल करके देखिए आई बटन लगा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी आप वो भी यूज कर सकते हो और एक और क्रीम मैंने ऑरेंज क्रीम सिखाई है वो भी बना के यूज कर सकते हो वो विंटर्स के लिए अच्छी है बट विंटर्स में आप वो यूज कर सकते हो लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप गर्मियों में भी उसको यूज कर सकते हो अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दो में याद रखिएगा हाफिज